वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हैचबैक्स आज भी इंडिया में डोमिनेट करती हैं कार सेल्स में, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोस्टली हैचबैक्स आपको 6 लाख के प्राइस में मिल जाती हैं। हालांकि ये प्राइजेस एक शोरूम होते हैं पर तब भी काफ़ी डोमिनेटिंग रहती हैं ये कार सेल्स फिगर्स में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 6 अपकमिंग हैचबैक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो 6 लाख के प्राइस में इंडिया में 2020 में लॉन्च होंगी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरी लिस्ट में पहली हैचबैक है मारुति सिलेरियो नेक्स्ट जेन। मारुति ने सिलेरियो को 2014 में लॉन्च किया था और ऑलरेडी इसको मारुति 2017 में एक फेसलिफ्ट दे चुकी है, पर अभी इसकी नेक्स्ट जेन को लॉन्च नहीं किया गया। नेक्स्ट जेन सिलेरियो को इंटरनली कोड नेम दिया गया है YNC, और इसको शायद 2020 के एंड तक इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। इसमें आपको BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि वैगनर में भी मिलता है, और ये करीब 82 PS की पावर और 130 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT के ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगली हैच है मेरी लिस्ट में टाटा की H2X कॉन्सेप्ट बेस्ड हॉर्नबिल। टाटा ने H2X कॉन्सेप्ट को 2019 जिनेवा ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। इसका प्रोडक्शन रेडी वर्जन टाटा के डिज़ाइन 2.0 फिलोसफी पर बेस होगा और मारुति इग्निस से कम्पीट करेगा इंडिया में। टाटा की लाइनअप में ये टियागो और अल्ट्रोस के बीच की होगी, और कुछ डिटेल्स इसकी नहीं है मेरे पास। शायद अपकमिंग 2020 ऑटो एक्सपो में टाटा इसके बारे में कुछ बताए तो मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। पर इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो इंडिया में स्पाइड की गई थी। कुछ एक्सटीरियर्स के बारे में इसमें डिटेल्स जरूर लीक हो गई हैं स्पाइड इमेजेस से, तो वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। नेक्स्ट कार है 2020 मारुति इग्निस। ये एक फेसलिफ्ट होने वाली है ना कि कम्प्लीटली न्यू कार। इसमें आपको BS6 कम्प्लाइंट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, और साथ में इसके फ्रंट एंड और रियर एंड में भी मारुति कुछ चेंजेस करेगा टू मेक इट लुक फ्रेश। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन सेम वही 82 PS की पावर जनरेट करता है, और इसमें भी आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ AMT के ऑप्शन भी मिलेंगे, और ये कम्पीट करेगी टाटा की अपकमिंग H2X के साथ। नेक्स्ट कार है टाटा टियागो फेसलिफ्ट। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पर जिसमें मैंने इसके फेसलिफ्टेड मॉडल की स्पाइड इमेजेस शेयर की हैं, और साथ ही में फेसलिफ्टेड मॉडल में क्या चेंजेस आए हैं वो भी डिटेल में बताए हैं। तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। नेक्स्ट कार है मारुति वैगनर नेक्सा वर्जन। इसको कोड नेम दिया गया था XL5, जैसे कि अर्टिगा के नेक्सा वर्जन को कोड नेम दिया गया था XL6। जैसे पिछली जेन वैगनार के साथ उसका एक प्रीमियम वर्जन स्टिंगरे भी आया था, वैसे ये उसका प्रीमियम वर्जन होगा करंट जेन वैगनार का। इसमें आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे, पर अभी वो इतने डिसाइड नहीं हो पाए क्या क्या मिलेंगे और ना रिवील हो पाए हैं, पर जब जैसे रिवील होंगे मैं आपके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। लास्ट कार है सैंट्रो फेसलिफ्ट। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। तो ये थी मेरी तरफ से टॉप 6 कार जो कि 6 लाख के अंदर आने वाली हैं।